गंगापुर सिटी पोर्टल पर हम आपको दिखा रहे हैं उपखंड अधिकारी कार्यालय में छात्रों द्वारा पिस्ता मीना कबड्डी खिलाड़ी को लेकर न्याय दिलाने को लेकर ज्ञापन दिया जा रहा है उपखंड अधिकारी को। इसके द्वारा आपको अवगत कराना चाहते हैं सरकार को पिस्ता मीना को न्याय मिले, जो 5 बार राज्य स्तरीय पर 4 बार जिला स्तरीय पर खेल चुकी है, उसका आज अन्याय हुआ उसको लेकर सभी जगह पर ज्ञापन दिया जा रहा है, उसको न्याय मिले। मुख्यमंत्री साहब से ज्ञापन पहुंचा, ये हमारी मांग है। अगर ये मांग नहीं मानी गई तो हम सब आंदोलन करने के लिए, जो उग्र आंदोलन करने के लिए सरकार की जिम्मेदारी होगी, जो हम कुछ नहीं कर सकते। एक युवाओं में रोष है और जोश है कि होनहार प्रतिवाद एक लड़की को अलग करके और किसी और को उसकी जगह चयन किया जा रहा है, जो उसको न्याय दिलाने के लिए राजस्थान सरकार से गुजारिश करते हैं। ठीक है, बिल्कुल भिजवा देते हैं। ओके सर। अच्छा, क्या था ये जैसे मतलब ये पिस्ता कहाँ के? ये साहब नवली विधानसभा बूंदी जिले की रहने वाली है और हिंडोली की है। और ये स्टेट टीम में, ये क्या स्टेट टीम में राजस्थान के स्टेट की टीम? अच्छा, और उसकी जगह से अन्य को दिलाने को वो कौन है? वो भाई कोई है तो बूंदी की, बूंदी की है। आइए हम बात करेंगे अभी पिस्ता मीणा को लेकर। लाइव है और उपखंड अधिकारी कार्यालय में ज्ञापन दिया गया है गंगापुर सिटी में छात्रों द्वारा, और काफ़ी यहाँ पर भीड़ है जमा पिस्ता मीणा को लेकर। आपने पिस्ता मीणा को लेकर ये ज्ञापन दिया है, इसके माध्यम क्या कहना चाहते हैं आप? आज कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए हम सभी युवा साथियों ने मिलकर आज गंगापुर एटीएम साहब को मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन दिया कि पिस्ता मीणा जो बूंदी की रहने वाली बच्ची, गरीब बच्ची, आदिवासी बच्ची, उसको न्याय दिलाने के लिए उसका चयन किया जाए। ये राजस्थान सरकार से हमारी गुजारिश है, क्योंकि जो एक होनहार प्रतिभावान महिला बेचारी एक लड़की है, उसको कुछ प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा, कुछ ऐसा तत्वों द्वारा, कुछ चापलूसों द्वारा उसको नकारा गया, और एक जो खेलना नहीं जानती उसकी जगह उसका चयन किया गया। इसी वजह से हम आज राजस्थान सरकार को गंगापुर सिटी में ज्ञापन दिया, जिससे अवगत कराना चाहते उस लड़की को न्याय मिले। अगर न्याय नहीं मिलेगा तो हम यह आंदोलन करेंगे, उसकी जिम्मेदारी राजस्थान सरकार की होगी। मैं ये एक लैब के माध्यम से, एक पोर्टल के माध्यम से राजस्थान सरकार तक हमारी मांग पहुँचाना चाहते हैं। धन्यवाद। सबसे पहली बात तो ये है कि पिस्ता मीणा जी बूंदी ज़िले की एक अच्छी खिलाड़ी है और स्टेट लेवल पर वो खेलना चाहती है, उसका सिलेक्शन वहाँ के राजनीतिक दबाव में उनको हटाया जा रहा है, ये गलत बात है। खिलाड़ियों की प्रतिभाओं को दबाया जा रहा है, वो अपने देश का नाम रोशन करेगी कबड्डी प्रतियोगिता में आगे जाएगी तो, और उनका सिलेक्शन किया जाए और माननीय मुख्यमंत्री के माध्यम से, उपखंड अधिकारी के माध्यम से हमने माननीय मुख्यमंत्री का नाम ज्ञापन दिया गया है। और इसमें युवाओं में काफ़ी रोष है पिस्ता मीणा को लेकर कि भाई उनको न्याय मिलना चाहिए, और भी हम प्रयास करेंगे। अगर उनको न्याय नहीं मिला तो हम जगह जगह धरना प्रदर्शन करेंगे और भूख हड़ताल में भी बैठ सकते हैं। बूंदी जाने की आवश्यकता पड़ी तो हम अशोक चांदना जी जो राजस्थान सरकार के मंत्री हैं उन्हें भी हम निवेदन करना चाहते हैं कि पिस्ता मीणा जी को न्याय मिले। धन्यवाद। और क्या कहना चाहते हैं आप, कुछ बताएं? बता दिया हमारी टीम द्वारा, मैं पूर्व संगठक।